40 वर्ष की हो गई हूं आज, पर सवाल वही है, क्या मैं स्वतंत्र हूं? क्या मैं अपनी स्वतंत्रता की सुपात्र हूं? क्या मुझे मेरे अपने निर्णय लेने का अधिकार वाकई होना भी चाहिए या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं मेरी अपनी इच्छा ही स्वतंत्र रहने की ना हो? मैं खुद बिना किसी प्रश्न किए बस जो जैसा है उसे अपनाते रहना चाहती हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत देर कर दी? बीते सालों ने बहुत बदल दिया है मुझे। जो तुनक मिजाजी पहले थी मुझ में वो अब नहीं दिखती, पर मन निकल पड़ता है उन गलियों में जहां जीवन के 14 साल बीते, दोस्तों के साथ बीते वो गैर जिम्मेदाराना से खूबसूरत पल, वो उंगली के एक इशारे पर दुनिया को नचाने की बातें, नीली सफेद खादी और गांधी बाबा की बातें, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय की खुशबू से भरे वो मीठे मीठे दोस्त, पता ही नहीं चलता कि कब सफलता असफलता सी लगती है और कब असफलता को वो दोस्त सफलता में बदल देते हैं। वो दिन खो गए जब वाकई लगता था मैं भी कुछ कर दिखाऊंगी, देखना एक दिन। अब जब दुनिया में अनगिनत काम है तो वनस्ली विद्यापीठ जैसे चुपचाप मेरे भीतर बैठ गया है। कभी कभी मुझसे कहता है वो खोया हुआ समय कि अरे तृप्ति केशोट, बाहर निकलो खुद से, तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो हर पल तुम्हारे साथ ही है। सब शायद तुम्हें प्रिय हैं, लेकिन उनमें कहीं तुम भी तो हो खुद खुद के लिए। और बस यह बात सुनकर अक्सर मन एक ही बात दोहराता है, हम जो जीवन जीना चाहते हैं उसी से अक्सर डरते हैं कि कहीं किसी को यह मालूम न चल जाए कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। मार्च का चौथा सप्ताह चल रहा है, मैं यह कहानी लिख रही हूं। सुबह अब भी हल्की ठंडी हवा चल रही है। सोचती हूं क्या वनस्थली की सड़कों पर अब भी लड़कियां बीचों बीच चलती होंगी। कितना कुछ है पा जाने को। मेरे पास फूल और धूप दोनों अब मेयो कॉलेज के आंगन में खिलते हैं। लिखते लिखते मैंने पाया है कि हर पौधे के खिलने का अपना ढब होता है। कभी किसी से तुलना न करना और अपनी तरह खिलना, हर बार अपने अंदर अपने को थोड़ा सा बचा लेना ही, खुद को खोकर वापस पाना है।